लेकिन इस पर पाकिस्तान वाले क्यों खुश हो रहे थे समझ नहीं आया। अरे भाई विराट कोहली भले ही खराब फॉर्म में चल रहे हो लेकिन कम से कम हमारा कप्तान छक्के तो मार ले। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंटेज 60 के पार चला गया था। हम बस देखने लगे थे कि कौन है वो लड़की इंडिया की जिसने हेड का दिल दुखाया है। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक रिएक्ट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, शर्मा जी का लड़का ऑस्ट्रेलिया पे भड़का, ये भाई टाइटल है आज आरजे रोनक का वीडियो है ये। तो 2023 का फाइनल का जो बदला था रोहित शर्मा ने भाई बहुत खतरनाक तरीके से लिया है और आरजे रोनक सर ने इस पर वीडियो बनाया है। वीडियो में आप लोगों को भी बहुत मजा आने वाला है, तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। भाई वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए आपको मिक्स मैशअप रिएक्शन भी दिखाते हैं साथ में और आप इंजॉय कीजिए वीडियो को। तो लेट्स स्टार्ट। हां भाई, ऑस्ट्रेलिया वालों सूजी है। रौनक नाम है मेरा और जो जीत गई है उसका नाम है इंडिया और जिनकी सूझ गई है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। जिसका बदला लिया उसका नाम है 19 नवंबर और जिस महारथी ने बदला लिया नाम है उसका शर्मा जी का लड़का, मुंबई का राजा रोहित शर्मा। भाई कहानी सुनाई जाएगी, पंचतंत्र में शामिल कर लो उसको। हम भी अपने नाती पोतों को बताएंगे कि एक था शर्मा जी का लड़का जिसने इतना पेला कि गेंद खुद कहने लगी कि भाई 100-200 एक्स्ट्रा लेकिन लैंड करा दे। गेंद लैंड भी हुई लेकिन बाउंड्री लाइन के 20 मीटर दूर। रोहित भाई आप बताओ को क्या चाहिए। मेरे पापा का फोन आया था, कह रहे थे कि जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं। मैंने कहा पापा ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मेरा सारा हिस्सा रोहित भाई के नाम होना चाहिए। बल्कि मैं क्या कहता हूं, अगली बार मोदी जी मुझे बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड देने बुलाएंगे तो मैं मोदी जी को पर्सनली बोलूंगा सर आपके गुजराती नमकीन होंगे बढ़िया लेकिन वड़ा पाव को नेशनल स्नैक्स घोषित करो। रोहित और बुमराह भाई को हाथ जोड़कर प्रणाम क्योंकि उन्होंने मुझे डिप्रेशन में जाने से बचा लिया। और अब अफगानिस्तान वालों सुन लो, तुम्हारे हवाले ऑस्ट्रेलिया साथियों, नागिन डांस करने वालों को पेल दो और फिर राहुल जी क्या होगा ऑस्ट्रेलिया का खत्म, टाटा गुड बाय गया। तो दोस्तों हुआ ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया वाले 19 नवंबर की तरह एक बार फिर से टॉस जीत गए और फिर से हमें उन्होंने बैटिंग करने के लिए बोला। लेकिन हमारी तरह रोहित भाई भी 19 नवंबर से भरे बैठे थे और उन्होंने सेंट लूसिया में मामला वहीं से चालू किया जहां उन्होंने अहमदाबाद में छोड़ा था। विराट कोहली जरूर जल्दी आउट हो गए जो हमारे लिए चिंता का विषय है लेकिन इस पर पाकिस्तान वाले क्यों खुश हो रहे थे समझ नहीं आया। अरे भाई विराट कोहली भले ही खराब फॉर्म में चल रहे हो लेकिन कम से कम हमारा कप्तान छक्के तो मार लेता है। और भाई क्या छक्के मारे हैं, पैट कमिंस को जो घुटने पर बैठकर बॉल को ग्राउंड के बाहर का रास्ता दिखाया है, शास्त्रों में इसे ही धोना कहा गया है। भाई साहब बड़े बड़े ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को मुंह पे बोल दिया कि हिल स्टेशन घूमने जाता हूं ठंड में और तुम्हारे बॉलर्स को रखता हूं अपने बल्ले के नीचे। तू समझा? हाँ, क्योंकि मैं हूं मुंबई का राजा रोहित शर्मा। वो तो रोहित शर्मा पर्सनल माइलस्टोन से ऊपर टीम का हित रखते वरना T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाले बैटर भी बन जाते। 41 में 92 बनाकर आउट हुए रोहित भाई। उनका आउट होना ही टीम इंडिया के लिए गलत साबित हुआ क्योंकि यहां से 230 रन बनने चाहिए थे लेकिन स्कोरिंग रेट थोड़ा कम हो गया। हालांकि पांड्या भाई ने कोशिश बहुत करी और आखिरी ओवर में टीम इंडिया 200 क्रॉस करने में कामयाब हो गई, 206 का टारगेट दिया। टारगेट अच्छा खासा था, हमें लगा कि काम हो गया लेकिन फिर वही ट्रेविस हेड बेन स्टोक्स। भाई हम रोहित की पारी देखकर खुश हो गए थे लेकिन हेड ने हेडेक देना फिर से शुरू कर दिया। वार्नर का विकेट तो जल्दी मिल गया लेकिन मिशेल मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर फिर वही पुराने जख्म देने की साजिश कर ली जिस पर हम 19 नवंबर से मरहम लगा रहे थे। 10 ओवर तक तो भाई लोगों ने 115 पार कर लिया था। यहां पर ऑस्ट्रेलिया का विनिंग परसेंटेज 60 के पार चला गया था। हम बस देखने लगे थे कि कौन है वो लड़की इंडिया की जिसने हेड का दिल दुखाया है, क्यों वो इंडिया वालों से इंतकाम लेने पर तुला हुआ है। हेड का कोई उपाय नहीं मिल रहा था लेकिन फिर कनपुरिया कुलदीप यादव ने हमें वापस दिलवा दी हमारी खोई हुई खुशियां। उन्होंने विकेट लिए, टीम इंडिया को विकेट मिलते ही ऑस्ट्रेलिया का रन रेट कम होता गया और इसी प्रेशर में आकर हेड ने बुमराह को छक्का मारने का प्रयास किया और गेस कीजिए हेड का कैच किसने लिया, शर्मा जी के लड़के ने। अब मान लिया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हेड के जाने के बाद ये क्लियर हो गया कि अहमदाबाद को साइलेंट करने वाले कमिंस अब खुद साइलेंट हो गए। ऑस्ट्रेलिया ये मैच 24 रन से हारी लेकिन अभी भी नेट रन रेट के मामले में अफगानिस्तान से ऊपर है। यानी अगर अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में जाना है तो बांग्लादेश को हराने के अलावा और कोई चारा नहीं है, या फिर बारिश हो जाए। अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश मैच पर भी हमारी पूरी नजर रहेगी। इंडिया का सेमीफाइनल तो इंग्लैंड के खिलाफ पक्का है लेकिन उसमें भी एक पेंच है, वो क्या है वो आपको कल बताऊंगा। फिलहाल आप चैनल सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना और सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो कमेंट करके बताना। किस खिलाड़ी को बोलना चाहते हो सूजी है वो भी जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। भाई रखेंगे यार, वो चांस नहीं रखा रन रेट पे, जिसका अच्छा होगा वो चला जाएगा। रन रेट तो फिर इंग्लैंड का अच्छा, इंडिया का किधर गया हुआ चेक कर। अभी इंग्लैंड का 2 के पास है भाई, इंडिया का भी 2 के प्लस है तो फिर तो इंग्लैंड वो चला जाएगा यार। फिर तो यार भाई रोला पता है क्या बना है, मुझे 3 बातें तुमने नोट की होंगी। हाँ, कल का जो मैच, अगर मैं कहता हूँ नींव रखी है ना, नींव जिसको जीत की नींव रखी है जिसने, रोहित शर्मा की तो बैटिंग थी। हाँ, कुलदीप की बॉलिंग,
कुलदीप के अक्षर का वो कैच जो उसने किया था वो टर्निंग पॉइंट था मैच भाई कल का मैच जो है ना वाकई बहुत मजे का रहा और लिटरली एक पॉइंट पर तो आके ना आपको जो है ना थोड़ा सा डामाडोल हो गए थे क्योंकि आपको जो है ना फील हो रहा था। लेकिन हाँ भाई मैं रोहित शर्मा की बात करूंगा, अगर कल के मैच का क्रेडिट वाकई किसी को जाता है ना वो रोहित शर्मा को जाता है क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने जो है ना वो नैया पार जो है ना वो लगा दी थी। सीरियसली मतलब मजा आ गया मैच देखने का कल। मतलब मैंने कल ये बात कही थी कि यूजली बड़े मैचेस देखते ना तो बड़े वन साइडेड देखने को मिले, लेकिन कल वाकई में मैं कहूंगी ऐसा मैच देखने को मिला जिसमें बैटिंग का भी बहुत ज्यादा देखने का मजा आया, फिर उसके बाद जब बॉलिंग कराई उसका भी मजा आया क्योंकि बीच में थ्रिल काफी ज्यादा था कि एक पॉइंट पर आकर आपको डर लगना शुरू हो गया था। मैं कहूंगी रोहित शर्मा ने कमाल कर दिया, लाइक क्या शॉट्स लगाए उन्होंने और शॉट्स पे शॉट्स लगाए हैं, मतलब जो भी है इंडियन ना वो डिजर्व करते हैं। हाँ, मतलब है। जब ओडीआई का वर्ल्ड कप चल रहा था ना लास्ट ईयर में तो अनबीटेबल थे, मतलब एक मैच भी नहीं हारी तो लास्ट फाइनल हार गई तो मुझे इसका बड़ा दुख भी हुआ यार। मतलब इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की थी बट लास्ट में बैड लक होगी, बट इस बार उन्होंने कहा नहीं रिस्क कोई नहीं लेना ऑस्ट्रेलिया को तो आउट करो, बट ये कि वो जो उसने अफगानिस्तान ने हरा दिया उसको बांग्लादेश को बिल्कुल, और मैं कहता हूं कैप्टन हो तो ऐसा हो ना, मतलब उसके कंट्री में अफगानिस्तान में तो जश्न चल रहा है भाई। इंडिया ने में एक भी मैच सच्चे में जैसे वो मतलब हुआ था ना कि इंडिया भाई कोई भी मैच नहीं था आ रहा, जब इंडिया में मैच तब बोल रही थी ये अम्मी कि ना इंडिया ने पैसे दे दिए इस वजह से इंडिया कोई मैच नहीं मतलब हार रहा, तो लेकिन जब वो हारे तो फिर इनको इंडिया बड़ी सही से खेला था। लेकिन भाई यहाँ पे अभी अमेरिका में जाके इंडिया वो मतलब हशर कर रहा है गोरों का लेकर पाकिस्तानियों को सबको भाई उन्होंने धो दिया, एक भी मैच बंदे नहीं हारे। तो सुबह से ही रिएक्शन देख रहा हूँ लोगों क्या निकल रहे हैं, प्लीज प्लीज है ना अफगानिस्तान अभी चल रहा है मैच, अगर पहली बात तो तारीफ होगी यहाँ पर रोहित शर्मा की क्या नेक्स्ट लेवल बैटिंग करी और जिस इंटेंट के साथ रोहित शर्मा ने कल शुरुआत करी ना मजा, और हमेशा वो ऐसे ही करते हैं ये कमेंटेटर मुझे नहीं समझ आता है, जब तक मार रहा होगा तो कहेंगे क्या खेल रहा है लड़का आउट हो जाएगा ना तो कहते हैं क्या जरूरत थी 10 रन आ गए थे 12 रन आ गए, भैया उसने क्या रखी है एक प्लेयर की इंटेंट समझ लो, उसने कह दिया मैं तो खेलूंगा ऐसे। हाँ भाई ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसे लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताना, और भैया ऑस्ट्रेलिया से तो पैट कमिंस ने बोला था ना 2023 के वर्ल्ड कप में कि 1,00,000 बंदों को मैंने मतलब चुप कराना और ऐसा कुछ कमेंट किया था उन्होंने, तो भाई यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया को रोहित शर्मा ने अकेले चुप करा दिया, तो भाई बैटिंग बड़ी अच्छी करी थी रोहित शर्मा ने, और मैं तो बोलता हूँ भाई हर मैच में रोहित शर्मा को ऐसा ही चलना चाहिए, और अगर वो तो 10 ओवर तक खेल रहे हैं बस उसके बाद फिर अच्छे खासे धुलाई कर देते हैं अगली टीम की। तो बाकी रह गई पाकिस्तानियों की, भाई पाकिस्तान के रिव्यूज आपने सुने ही हैं उन्होंने क्या बोले हैं क्या नहीं, इनकी टीम तो खैर बाहर हो गई है, वैसे भी अफगानिस्तान भी पहुंच गई है सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हरा के, तो आगे देखते हैं भाई इंडिया का आने वाला मैच है इंग्लैंड से, तो देखते हैं इंग्लैंड से जीतेगी कि नहीं, वैसे तो भाई उम्मीद पूरी है कि जीतेगी जिस तरह से इंडिया अभी चल रही है, इनका बैलेंस टीम अच्छा है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद नमस्कार।